बहुत सारे बंदों को लगता है कि भाई बिना पीसी के हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी अच्छा थंबनेल नहीं बना सकते। अगर तुम लोग को भी ऐसा लगता है तो यार आज के वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा माइंड चेंज होने वाला है और तुम लोग खुद कहने वाले हो कि भाई दैट इज पॉसिबल कि भाई हम लोग थंबनेल बना सकते हैं वो भी पीसी से भी अच्छा। तो यार भाई आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है एंड उन लोगों के लिए खास कर मैं बनाया हूँ जो लोग भाई एक क्रिएटर है या फिर आगे माइनक्राफ्ट का क्रिएटर बनने वाले हैं। तो यार उन लोगों के लिए आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसको अगर तुम लोग भाई यूज करना स्टार्ट कर लिया तो यार तुम्हारा थंबनेल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो यार भाई आज के वीडियो को बस एंड तक देखते रहना एंड वीडियो को बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो वीडियो को भी प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना एंड अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट क्रिएटर हो या फिर माइनक्राफ्ट रिलेटिव कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल बनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप हमारा आता है वो है हमारा रॉ फुटेज का। देखो पूरा थंबनेल बनाने के लिए जो हम लोग स्क्रीनशॉट यूज करते हैं उसी को रॉ फुटेज कहते हैं एंड इस स्क्रीनशॉट को हम लोग को अच्छा क्वालिटी में लेना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी में लेना पड़ेगा तभी हमारा थंबनेल बेस्ट निकल के आएगा। तो उसको कैसे करना है तो अभी मैं एक आयरन फार्म का थंबनेल बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं फटाफट यहाँ पे वर्ल्ड में आ चुका हूँ और देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट के अंदर आयरन पड़ा हुआ है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा चीज़ मुझे इस फार्म का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे दूर चला गया, देख सकते हो थोड़ा सा दूर चला गया फार्म से जैसे कि भाई मेरा मोबाइल के अंदर पूरा अच्छे से भाई फार्म आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर भाई देख सकते हो सेटिंग में गया, वीडियो वाले ऑप्शन में गया, यहाँ पे HUD और हैंड इसको दोनों को ऑफ कर दिया और जो FOB है इसको थोड़ा सा लाइक कम कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद देख सकते हो हमारा फार्म पूरा अच्छे से आ चुका है हमारा जो कि पूरा साइज के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर। इसको फटर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देख सकते हो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है इरेज स्काई एरिया। तो यार इसमें क्या होता है अगर तुम्हारे स्क्रीनशॉट के अंदर कहीं पर स्काई है जो कि आसमान है वहाँ पर हम लोग को इसको इरेज करना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड इरेजर का, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। यहाँ से आपको सिंपली जाना है, यहाँ पर इनपुट कर देना है वो स्काई वाला जो कि हम लोगों ने फॉर्म में दिखाया था, यहाँ पर ऊपर स्काई आ रहा है इसको मुझे अभी इरेज करना है। ऐसा क्यों? इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एक दूसरे थंबनेल स्काई से तो भाई जो कि भाई देखने को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगेगा, बस तुम लोग देखते रहो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑटो में चले आता हूँ, यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट में, यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे में स्काई को फटाफट से यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने सारे के सारे स्काई को यहाँ पे इरेज कर लिया है और जो छोटा मोटा पार्ट था उसको भी मैंने यहाँ पे भाई इरेज कर लिया है आराम से। देखो उसके बाद आपका थंबनेल कुछ इस तरह देखने को आएगा जो कि आपको PNG पे फॉर्म में मिल जाएगा आप लोग को। आप लोग सिंपली इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग को जो मेन एप्लीकेशन में अभी जाना है जो कि मैं यूज करता हूँ PicsArt। बहुत सारे बंदे पूछते रहते हैं कि भाई तुम थंबनेल की कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हो, तो मेरे भाई यार मैं बस PicsArt यूज करता हूँ भाई, बस थंबनेल एडिटिंग के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करता। सो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर का मैंने एक बैकग्राउंड लिया है। यहाँ पर आपको टूल में चले आना है, यहाँ पर क्राफ्ट में चले आना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर सबसे लास्ट में आ गए तो यहाँ पे YouTube लिखा होगा, सिंपली इसको क्लिक कर देना है। YouTube फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको टिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर YouTube के फॉर्मेट में आ चुका है ये वाला। अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर नीचे जाओगे तो आप लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर एड फोटो का एक आएगा, ये देखो एड फोटो, इसके पर क्लिक करना सिंपली। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा घूमेगा और यहाँ पर देखो ये वाला जो हमने आयरन वाला जो चेस्ट के अंदर था ये वाला लिया था, इसको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को क्राफ्ट में जाना है और इसको अच्छे से यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको पूरा अच्छे से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर करके यहाँ पे नीचे वाला भाई पार्ट को भी अच्छे से भाई इसको एडजस्ट कर लेना है, इसे पता ना चले। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोग को सबसे पहले टिक कर लेना है जिससे भाई ये सेव हो जाएगा। अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आर फोटो वापस से करना है और भाई आप लोग को भाई एक फोटो चाहिए होगा जिसको कहते हैं थंबनेल स्काई, ये वाला फोटो अगर है आपके पास अच्छी बात, अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ऐड कर लेना है, आपको अभी जूम कर लेना है इसको और उसको भाई ऊपर लगा देना है। ठीक है, अभी आप लोग को वापस यहाँ पर ऐड फोटो में जाना, सेव मत करना। ठीक है, ऐड फोटो में आके आपने जो PNG भाई किया था भाई जो स्काई रिमूव किया था जो है फोटो उसको लाना। यहाँ पे भाई साइड से थोड़ा सा कट करके ना इसको जूम कर लेना, इस तरह जूम करके ना इसको भाई यहाँ पर साइड में लगा देना है कुछ इस तरह। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर लग चुका है, ये भाई आपका फोटो भी इस तरह दिख रहा है। भाई ठीक मत करना भाई, इसको भाई सेव मत करना, वापस ऐड फोटो में जाना भाई। आप लोग को एक बैकग्राउंड ले लेना भाई, व्हाइट कलर का ऐड करना है। उस बैकग्राउंड को ऐसा भाई देख सकते हो स्ट्रेट लाइन कर लेना, थोड़ा सा इसको भाई कह सकते हो घुमा लेना
ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से भाई देखिए लगा दिया, अभी इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। अभी मैंने इसको यहाँ पर देख सकते हो लगा दिया कुछ इस तरह का, इसमें यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। अभी आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको शैडो में चले जाना, इसको भाई दोनों को फुल कर देना 100-100 में। यहाँ पे भाई पोजिशन में आप लोग को ना इसको 180 में और इसको 100 में रखना है। और देखो ये जो ऊपर वाला जो स्काई है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इरेजर सिलेक्ट करना, और ये जो बाहर का पार्ट है ना इसको फटाफट से इरेज कर लेना ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से ध्यान से करना। यहाँ पर टिक कर लिया। अभी नीचे वाला देखो ये पहले से इरेज हुआ पड़ा है, देख सकते हो पहले से इरेज पड़ा हुआ है। अगर इरेज नहीं होगा तो इसमें भी इरेज कर लेना आराम से, ये इतना होने वाला इसको टिक कर लेना। इतना हो गया है। अभी आप लोग को और एक फोटो चाहिए होगा भाई, इसका नाम है प्रीमियम एरो ठीक है। अगर ये वाला भी नहीं है तो मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तुम जाके डाउनलोड कर लेना फोटो को। तो मैं फटाफट से इसको ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो गाइस मैंने इसको ऐड कर लिया है अभी फटाफट से। तो अभी आपको भाई सिंपली इसको भाई थोड़ा सा घुमा के ना यहाँ पे कुछ इस तरह लगा देना है। इतना होने के बाद इसको टिक कर लेना। अभी आप लोग को यहाँ पे ऊपर ऊपर जाना है, टूल में जाना है, यहाँ पर भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट में जाना है। आप लोग को ब्राइटनेस में 2 में रखना है, 2 या फिर 3 में। आप लोग फिर यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी मैंने इसको भाई क्यों किया, आप लोग को रिजोल्यूशन में आना है और आपका जो कलर है ना थोड़ा सा बढ़ा देना ठीक है। अब इसको मैंने टिक कर लिया, देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है अभी थंबनेल। बाकी यहाँ पर भाई सबसे पहले आप लोग ऊपर अपना जो जब मतलब सीरीज नंबर लिखोगे सर्वाइवल सीरीज नंबर, तो आपको सिंपली बैकग्राउंड में आ जाना है। आपको जो भी कलर का यूज करते हो भाई वो वाला कलर ले लेना है, ऐड कर लेना है। फिर नीचे जाना है आप लोग, यहाँ पे भाई शेप में जाना है, यहाँ पे भाई सर्कल से भाई सिलेक्ट कर लेना, टिक कर लेना। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे साइड ऊपर में लगा देना ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट लेके यहाँ पे आपका जो भी सर्वाइवल सीरीज का भाई नंबर, जैसे कि भाई #5 समझ लो ठीक है, मैंने 5 लिख दिया, इसको टिक कर लिया। अभी इसको मैं व्हाइट कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे फ्रंट में भी कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, भाई जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहो ठीक है। मैं ज़्यादातर भाई यहाँ पर भाई जो इजी वाला फॉन्ट है ये भाई यूज करता हूँ ठीक है। इसको सिंपल आप लोग यहाँ पर ऊपर लगा देना, बस इस तरह देख सकते हो भाई आराम से लग चुका है। बस इसी तरह आप लोग का यहाँ पर थंबनेल गाइस रेडी हो चुका है, देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा भाई यहाँ पर आपको 2 मिनट लगेगा, मेरे को 2 मिनट लगता है। मैं आपको भाई दिखा रहा था एक एक करके, तो भाई मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। बाकी देख सकते हो थंबनेल कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो। आई होप गाइस आज के वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। भाई ये वाला वीडियो आप लोगों का डिमांड था तो मैंने भाई इसको फुलफिल किया, तो भाई इसलिए जाकर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप लोग एक माइनक्राफ्ट प्लेयर हो तो यार जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं भी भाई माइनक्राफ्ट रिलेटिव कंटेंट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।